अंडरग्राउंड मटन वाला। मंडावाड़ा नाम के गांव में बहुत सारे परिवार भेड़ बकरी पालते थे, वही उनका मुख्य व्यवसाय था। उस गांव में मावी नाम का व्यक्ति भी कर्जा लेकर थोड़े भेड़ और थोड़े बकरियों को खरीद कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मावी की पत्नी थी सुजीता और विराट नाम का उनका बेटा था। एक दिन मावी सुजीता से, अब हमारे बुरे दिन समाप्त हो गए, हमारे भेड़ बकरी खूब तंदुरुस्त हैं, उन्हें बेचेंगे तो अपना सारा कर्जा चुका सकेंगे, बाकी पैसों से और भेड़ बकरी खरीद सकेंगे, इस तरह अपना धंधा धीरे धीरे बढ़ा सकेंगे, अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, अब हमारी जिंदगी भी सवर जाएगी, इतने दिन आपके नेकी और संकोच के कारण कहीं धंधे में हमारा नुकसान हुआ। चलो कम से कम अब तो भगवान की हम पर दया हुई, इस साल विराट को भी स्कूल में भर्ती करना होगा। जरूर, अब उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं होगा। एक दिन उस गांव में नटराज और मैडी नाम के दो व्यक्ति आए। वे दोनों पड़ोसी जिला में चोरी करके पुलिस से छिपने के लिए इस गांव में आए थे। नटराज ने इस गांव में भेड़ बकरियों को देखा, हर घर में भेड़ बकरी थे। अरे इस गांव में इंसानों से ज्यादा भेड़ बकरी हैं भाई, इनकी आड़ में कोई अच्छा धंधा शुरू करके इसी गांव में सेटल हो जाना चाहिए, मटन शॉप हो तो बढ़िया होगा यार, बहुत लाभ होगा। पर भैया मटन शॉप चलाना हो तो पहले हमें भेड़ बकरी खरीदना होगा ना, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमने जो जेवर चुराया था वो भी नकली निकले, ऊपर से मटन शॉप लगाकर हमने खुल्लम खुल्ला धंधा किया तो पुलिस हमें यूं जरूर पकड़ लेगी। योर आइडिया इज वेरी बैड भैया। अरे यार तू मुझे बहुत कम आंक रहा है, परसों अपनी चोरी में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चोरों वाला दिमाग नहीं है। अभी अभी मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है, चलो बताता हूँ। नटराज और मैडी गांव के बाहर आए, वहाँ बहुत हरियाली थी, सारा गांव अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए वहीं आते थे। नटराज मैडी से, अरे याद है पिछले साल जेल में एक जेसीबी चोर से हमारा परिचय हुआ था, तुम जाकर तुरंत उसे ले आओ। उस रात को नटराज जेसीबी की मदद से उस हरे मैदान में एक गड्ढा खोदने लगा। यूं कई रात खोदता रहा। कुछ दिनों में वहां एक अंडरग्राउंड मटन शॉप बनाकर तैयार हुआ। ऊपर दो हिस्सों में खुलने वाले दरवाजा को बनवाया, उस दरवाजे को हरे भरे घास से ढक दिया। थोड़ी देर बाद माहवी अपने भेड़ बकरी को चराता हुआ वहां पहुंचा। एक बकरी दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर घास खा रही थी। नीचे अंडरग्राउंड में एक रेड लाइट जला की आवाज आई नटराज मैडी से, यार लगता है कि बकरी कोई ट्रैप में आ गई है, बजर दबाओ। मैडी ने वहां एक स्विच दबाया, तुरंत वो दरवाजा खुला, बकरी अंदर गिरी, मैडी ने उसे कैच किया, वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। नटराज ने उस बकरी को काट कर मटन तैयार किया। प्लान तो बढ़िया है भैया, पर इस मटन को अब बेचेंगे कैसे? अरे ये बहुत आसान है, मैंने भोला भाला बकरा नाम का एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है, फ्री होम डिलीवरी, 40% डिस्काउंट भी मैंने ऑफर किया है, अब तक बहुत ऑर्डर्स आ चुके हैं, तुम तुरंत जाकर डिलीवरी करके आओ। मैडी पड़ोसी गांव में जाकर मटन डिलीवरी करके आया। इस तरह जब भी कोई भेड़ या बकरी उस दरवाजे के ऊपर आती तो रेड लाइट जलने लगता और मैडी स्विच दबाता, वे बकरी नीचे गिरते तो मैडी उन्हें कैच कर लेता, नटराज उन्हें काट कर मटन तैयार करता। यूं वे खूब पैसे कमाने लगे। उनके भेड़ बकरी गायब होने लगे तो चरवाहे चिंतित हो गए। मावी एक दिन अपनी पत्नी से, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे आधे से ज्यादा भेड़ बकरी गायब हो गए हैं, बाघ और चोर से बचाने के लिए हम सब पहरा दे रहे हैं, फिर भी वो कैसे गायब हो रहे हैं समझ में नहीं आता, अब मैं और धंधा नहीं करूंगा, कहीं मजदूरी कर लूंगा, कहकर उदास हो गया। ये सब विराट सुन रहा था। उसने सोचा, ना बाघ आ रहा है ना चोर आ रहे हैं, तो ये पशु गायब कैसे हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन उस हरे घास के मैदान में एक पेड़ के पीछे
एक स्टैंड पर उसने सेलफोन को रखा, उसे रिकॉर्डिंग मोड में दबाकर वहां से चला गया। उस रात को विराट ने उस रिकॉर्डिंग को देखा, उसमें उसे भेड़ बकरी का जमीन पे गिरना, फिर मैडी का मटन के पैकेट को लेकर बाहर निकलना सब देखा। विराट को सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन विराट ने ऐसा समय देखा जब भेड़ बकरी वहां नहीं थे, तब उसने उस दरवाजे के ऊपर कुछ मांस के टुकड़े रखकर वहां से चला गया। उस मांस की गंध को सूंघते हुए एक बाघ वहां पहुंचा। वो बाघ उस दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर मांस खा रहा था। नीचे अंडरग्राउंड में लाल बत्ती जली करके जोर से आवाज आने लगी। अरे मैडी, देखा कितनी जोर से आवाज आ रही है, लगता है कोई तगड़ा बकरा फंसा है, जल्दी बजर दबाओ। मैडी ने स्विच दबाया, बस वो बाघ आकर मैडी के ऊपर गिरा। बाप रे, मुझे बचाओ कहकर नीचे गिरा। वो बाघ उनके पीछे पड़ गया। उस बाघ ने उनको पूरे मटन शॉप का चक्कर लगवाया। नटराज और मैडी, अरे हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। बाद में किसी तरह बाघ से बचकर वो दरवाजे से बाहर निकले। बाहर आकर देखा तो चरवाहे के साथ साथ मावी और विराट लठ लेकर खड़े थे और उन्होंने इन दोनों को खूब मारा। फिर पुलिस ने उन्हें जेल में डाला। एसआई ने नटराज से जब्त किए पैसों को उन चरवाहों में बांट दिया। सबने विराट की प्रशंसा की। स्कूटर जनरेटर। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र थे। रमेश इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन का काम करता था। सुरेश की कोई नौकरी नहीं थी तो वो एक पुराने स्कूटर में घूमता रहता था। एक दिन रमेश, अरे भाई सुरेश, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते, कम से कम शहर जाकर कोई कोशिश तो कर सकते हो ना। अरे तेरा क्या है, तुम्हारे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर तुम्हें ये नौकरी दिलवा दिया। मेरे पढ़ाई के लिए शहर में कोई नौकरी नहीं मिल सकती, सब मेरी किस्मत है। अरे यार तुम चिंता ना करो, मुझे एक बढ़िया उपाय सूझा है। अब किसी को कोई भी वस्तु, खाना, कपड़े या सेवा हो, उसे हम घर तक पहुंचाने वाले के सेवा आ गया है ना, इसी तरह हम भी घरों में बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अरे तुम कह क्या रहे हो, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। हम घरों को बिजली सप्लाई करेंगे, वो तो पहले ही है ना। अरे यार वही तो पूरा स्कीम है, बिजली देना या काटना मेरे हाथ में है। तुम अपने स्कूटर को एक जनरेटर स्कूटर में बदल डालो, मैं जिस एरिया में बिजली काटूं तुम वहां जिसे चाहिए उसे बिजली दे देना, वो हमें पैसे दे देंगे, तब हम खूब पैसे कमा सकेंगे। बोलो कैसा है मेरा आइडिया। अरे ये तो बढ़िया है, तेरे जैसों की वजह से ही दुनिया में धोखाधड़ी और बेईमानी खूब चल रही है, हम कल से ही अपना धंधा शुरू कर देते हैं। इस तरह अपने स्कूटर को एक मैकेनिक के मदद से उसने एक जनरेटर स्कूटर में बदल दिया। उसे लेकर वो गांव में आया, तभी रमेश ने एक गली का बिजली काट दिया। ये बात उसने सुरेश को फोन पर बताया। तुरंत सुरेश उस गली में जाकर, बिजली ले लो, बिजली ताजा ताजा, बिजली गर्मा गर्म, बिजली आपके घर के सामने ही, बिजली आपके घर के लिए, बिजली एक घंटे के लिए चाहिए या दिन भर के लिए, जितने देर चाहो उसे ले जा सकते हैं सर। टीवी देखना हो तो बिजली चाहिए, मिक्सी चलाना हो तो बिजली चाहिए, आओ भाई आओ, बिजली ले लो बिजली। तब सब उसके स्कूटर के पास आ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने, ये करंट तुम सब्जी की तरह क्या बेच रहे हो, ऐसे पुकार क्यों रहे हो तुम। दूसरा, अरे रमेश को फोन किया तो उसने कहा था कि शाम तक बिजली नहीं आने वाली, मिक्सी नहीं चले तो हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। एक और व्यक्ति, अरे टीवी बंद हो गया तो मेरी पत्नी बौखला जाएगी, जब तक बिजली ना आए तो वो हाथ में जो भी वस्तु मिले उसे उठाकर मुझ पर ही फेंकेगी। अरे बिजली ना हो तो गृहस्थी का बेड़ा गर्क हो जाता है सर जी, मेरा जनरेटर घंटे का 500 रुपए में है, कहिए किसे कितने घंटे के लिए चाहिए, जो ज्यादा देर के लिए लेगा उसे ही मैं पहला मौका दूंगा। इस तरह हर कोई मुझे चाहिए कहकर लड़ने लगे। आखिर में एक व्यक्ति ने शाम तक जनरेटर को बुक कर लिया।
तो उसके घर के पास जाकर सुरेश ने जनरेटर को फिक्स किया। रमेश ने शाम को फिर बिजली ऑन किया। उस घर के मालिक ने सुरेश को पैसे दिए। पहले ही दिन पैसे देखकर दोनों दोस्त खूब खुश होकर नाचने लगे। इस तरह खेतों में मोटर पंप के लिए, शादी में डेकोरेशन लाइट्स के लिए जनरेटर सप्लाई करते हुए सुरेश बहुत पैसे कमाने लगा और बहुत बिजी हो गया। गांव में लोग सुरेश को फोन करके बुलाने लगे। एक दिन रमेश बिजली काट कर फोन पर, अरे सुरेश, आज काफी मालदार लोगों की गली में बिजली काट दिया है, उनके पास बस पैसा ही पैसा है, उनसे ज्यादा पैसे ले लेना, मैं उनसे कह दूंगा कि शाम के 5 बजे तक बिजली नहीं आने वाली। ये सारी बातें वहां खेल रहे पाचू नाम के एक लड़के ने सुन लिया। पाचू तुरंत पुलिस स्टेशन गया और एसआई को सब कुछ बताया। शाबाश बेटा, तुम जैसे बच्चे अपने देश की शान है। अपने गांव में बार बार बिजली जाती है तो इसका कारण ये दोनों हैं। अगले दिन एसआई सुरेश को फोन करके, भैया हमारे स्टेशन में बिजली चली गई है और सारा काम रुक गया है, सारे कंप्यूटर भी बंद हो गए हैं, तुम तुरंत जनरेटर ले आओ। इस तरह सुरेश स्कूटर को लेकर पुलिस स्टेशन गया। बाद में उसने जनरेटर के कनेक्शन देकर स्विच बोर्ड को ऑन किया। फिर फोन पर रमेश से, अरे मूर्ख, पुलिस स्टेशन में बिजली क्यों काटा, मैंने अभी यही जनरेटर लगाया है, पता नहीं पैसे देंगे भी या नहीं, तुम तुरंत करंट को ऑन कर दो। पर मैंने तो बिजली काटा ही नहीं, और जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, मूर्ख, कहकर उसे डांटा। ये सब बातें स्टेशन में एसआई उनके फोन को टैप करके पूरा सुन रहा था और कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में सुरेश से, क्यों रे घनचक्कर, तुम दोनों का यह नाटक हम जान गए हैं, तुम दोनों का वॉइस रिकॉर्ड हो गया है, अब तुम दोनों बच नहीं सकते। यूं पुलिस ने उन दोनों को खूब मारा और जेल में डाल दिया।